तो ही दोस्तों नमस्कार, आप देखो जीएसएम मोरियन, मैं हूं काश। टाइटल देख के पता चल गया होगा जो आप लोगों की काफी डिमांड थी कैमरा की कंपैरिजन की वो जल्दी आपको मिलेगा, पर यहां पर कैमरा रिव्यू फुल मैंने बना दिया है। कौन सी क्वालिटी में कौन सी आउटपुट आपको मिलती है वो आपको जल्दी पता चल जाएगा जब आप अगला वीडियो का पार्ट देखोगे। तो यहां पर मैं एक बार फिर आपको बोलूंगा कि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया, अगर आप नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन दबाइए, नोटिफिकेशन का इशू नहीं रहेगा। और अगर ऑलरेडी सब्सक्राइब्ड और नोटिफिकेशन का इशू आ रहा है तो बेल आइकन को दोबारा दबाइए और ट्विटर के ऊपर फॉलो कर लीजिए, नोटिफिकेशन का कोई भी इशू नहीं रहेगा। तो चलिए मिलते हैं आगे, बढ़ते हैं आगे और करते हैं कैमरा रिव्यू नोकिया X6 का आगे। तो हां जी दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बोलूंगा कि अगर आपके पास 4K 2K वाली डिस्प्ले है और आपको वीडियो देखनी है उस रेजोल्यूशन में, आप सेटिंग में जाकर यहां पर चेंज कर सकते हो। और अगर आप मोबाइल के ऊपर हो तो आपको पता ही होगा कि रेजोल्यूशन को हम कैसे चेंज करते हैं, कौन से पिक्सल के ऊपर। तो 4K में ये वीडियो हमें मिलती है रिकॉर्डिंग की ऑप्शन। अगर मैं बात करूं Nokia X6 की तो इसीलिए 4K में वीडियो बनाई गई है और 4K में ही रेंडर की गई है। उसके बाद यहां पर मेरे काफी दोस्तों के क्वेश्चन थे कि जो कार्ल ज़ीस का लेंस है नहीं दिया गया तो आउटपुट कैसी मिलेगी। तो जो अगला वीडियो का पार्ट है वहां पर आपको देखने को मिलता है डे लाइट, लो लाइट, इंडोर लाइट, आउटडोर लाइट में जो वीडियो शूट मैंने किया है, आपके सारे डाउट क्लियर होंगे। हल्का सा आपको बताता हूं कि यहां पर जो एक्सपोजर वैल्यू देता है ये डिवाइस, उसको ध्यान से देखिएगा। बाकी हम बात करेंगे आगे जब आप ये वीडियो देख लोगे पूरी। फुल HD इंडोर लाइटिंग डे लाइट, तो यहां पर आपके सामने है कि क्वालिटी कैसी है और एंगल कैसा है। यहां पर आप फेस देख सकते हो, मतलब फिर वही Nokia 7 प्लस वाला एंगल इतना बढ़िया नहीं मुझे लग रहा। और एक्सपोजर पीछे आप देख सकते हो, सूरज काफ़ी ज़्यादा धूप है तो पीछे आप देखिए तो एक्सपोज तो काफ़ी बढ़िया है। डायनामिक रेंज भी ठीक है, कॉन्ट्रास्ट ओके। तो ये फुल HD है, फ्रंट फेस इंडोर लाइटिंग। तो चलिए है इंडोर डे लाइट, आप देख सकते हो काफ़ी बढ़िया एक्सपोजर है। इवन कि जो आपको यहाँ पर ये डोर दिख रही है एक्सपोज काफी किया है, ये आप देखिए, ये देखिए, हाँ ये रहा, जी हाँ हल्की सी लाइट कम है तो ये रहा सनी। और यहाँ पर एक्सपोजर वैल्यू और कॉन्ट्रास्ट हम देखेंगे, इसका डायनामिक रेंज तो ये रहा। तो ये 4K वीडियो है, अभी फुल HD हम देखेंगे। ये वीडियो यहाँ इंडोर लाइटिंग में फुल HD 1080 पिक्सल के ऊपर है। ये रहा मेरा घर, ये वाला ठीक है। तो एक्सपोजर आप देख लीजिए, एक्सपोजर काफ़ी बढ़िया करता है नोकिया के जो कैमराज हैं। तो यहाँ पे कार्ल ज़ीस की सपोर्ट नहीं भी मिलती तो क्वालिटी क्या है आप देख लीजिए, तो ये बढ़िया चीज़ है। तो यहाँ पर भी आप एक्सपोजर देख सकते हो, काफ़ी बढ़िया है। और अगर मैं इसमें जूम करता हूँ ओके, तो 10x जूम है, ये रहा, ये बिल्डिंग्स हैं ओके, ये रहा। तो जूम पे काफ़ी नॉइस थी पर फिर भी आपके सामने है फुल HD डे लाइट। और ये आप देख लीजिए यहाँ पर कलर्स और एंगल इसका काफ़ी कम है, अगर मैं बताऊँ आपको काफ़ी दूर रखा है ये देख लीजिए। और नोकिया को फ्रंट कैमरा में ऐसे देखना चाहिए। तो यहाँ पे कलर्स काफ़ी बढ़िया हैं, काफ़ी रियलिस्टिक जो है वीडियो आती है। और यहाँ पर मेरे ख्याल से EIS भी काम कर रहा है फ्रंट कैमरा में, मुझे श्योर नहीं है पर देखेंगे कि आउटपुट में कैसा मिलता है। तो मैं इसीलिए इधर देख रहा हूँ, कलर वगैरह चेक कर रहा हूँ। और यहाँ पर ये एक्सपोजर ओके, ये रहा। डायनामिक रेंज जो है ना इसकी काफ़ी बढ़िया है, अगर मैं बात करूँ जो सैचुरेशन है कलर की बहुत बढ़िया है। आउटपुट आपके सामने है, तो ये हो गया फ्रंट फुल HD के साथ डे लाइट में। डे लाइट तो यहाँ पर आप देख सकते हो बिल्कुल नॉर्मल मैं यूज़ कर रहा हूँ। तो मेरे ख्याल से EIS की सपोर्ट यहाँ मिलेगी या नहीं हम देखेंगे, पर जो कलर आउटपुट है काफ़ी बढ़िया है डिवाइस की, ये रहा। कोई वॉर्म नहीं, कोई वाइटिश नहीं, बिल्कुल बढ़िया है। इवन कि जैसे मैंने आपको बोला कि कार्ल ज़ीस का यहाँ पर कैमरा नहीं यूज़ किया गया, तो आप देख लीजिए यहाँ पर OIS भी मैं आपको
दिखा रहा हूँ, आप चेक कर सकते हो। और एक्सपोज काफ़ी बढ़िया करता है, डायनामिक रेंज काफ़ी बढ़िया है इसके कैमराज की, डिटेलिंग भी आपके सामने है। तो चलिए अभी फुल एचडी में चलते हैं। और यहाँ पर सनी आप देख सकते हो ब्लैक कलर, और वही बात है कि चाहे आप 4K यूज़ कर रहे हो चाहे फुल एचडी, जो आपको कलर की आउटपुट है काफ़ी बढ़िया मिलती है। और यहाँ पर EIS देखते हैं कैसा काम करता है, और इसका अलग से टेस्ट भी करेंगे EIS का प्रॉपरली। तो ये रही डिटेलिंग, ये रहा एक्सपोजर, सही है। और यहाँ पर मैं जूम करता हूँ, ओके, काफ़ी नॉइस है अगर बात करें तो। चलिए ये रहा, आप डिटेल देख सकते हो कलर की, एक्सपोज और डायनामिक रेंज काफ़ी बढ़िया है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। 4K वीडियो लो लाइट आप देख सकते हो, यहाँ पर सभी लाइटें चल रही हैं गाड़ियों की हर जगह पर, डिवाइस का एक्सपोजर काफ़ी हैवी है, यानी कि आपको वाइटिश तो मैं बोलूँगा, पर फिर भी एक्सपोज और डायनामिक रेंज को प्रॉपरली रखा गया है यहाँ पर। कॉन्ट्रास्ट भी बढ़िया है, और अगर मैं सैचुरेशन की टिंट की बात करूँ वो भी काफ़ी मेंटेन किया गया है यहाँ पर। और अगर मैं यहाँ पर KFC पर टैप करता हूँ तो कुछ ऐसा एक्सपोजर आपको मिलेगा। तो अगर आप प्रो वीडियो वगैरह जानते हो कैसे यूज़ करना है प्रो मोड को, आप कर सकते हो, जिसकी वीडियो मैं जल्दी लेकर आऊँगा। तो ये रहा 4K वीडियो बन रही है, और सनी के ऊपर यहाँ पे अभी मैं टैप करूँगा तो एक्सपोजर कुछ ऐसा है। और अगर पीछे करता हूँ तो आप देख सकते हो, और बाकी आप यहाँ पे EIS को भी देख सकते हो कैसे काम करता है लो लाइट में। पहले Nokia 7 प्लस में इसका EIS इतना बढ़िया नहीं था, और उसकी अपडेट के बाद भी मैंने चेक तो नहीं किया, पर यहाँ पर देखते हैं। और ये रहा आपके सामने, तो फोकस भी ठीक है, मैंने यहाँ पे दो बार टैप किया इसीलिए थोड़ा अनस्टेबल था। तो ये रहा, यहाँ पर लो लाइट में आप देख सकते हो क्या आउटपुट मिलती है फ्रंट कैमरा की फुल HD में। और एंगल भी आप देख सकते हो, मैं पहले भी बता चुका हूँ कि एंगल इतना बढ़िया नहीं आता फ्रंट कैमरा में, इतना वाइड एंगल नहीं है जितना हम बात करें जो बैक कैमराज हैं या रियर कैमराज हैं। तो यहाँ पर Nokia 7 प्लस में भी सेम हमें मिलता है, तो मुझे ये चीज़ पसंद नहीं, क्योंकि अगर आप व्लॉगिंग के लिए ऐसे यूज़ करना चाहते हो तो बढ़िया नहीं रहेगा। यहाँ पर बहुत दूर मैं करता हूँ, और ये मेरा हाथ है यहाँ पर, तो आपके सामने है। तो चलिए, तो ये रहा फ्रंट फेस लो लाइट फुल HD कैमरा। तो हाँ जी दोस्तों, यहाँ पर वीडियो आपने देख लिया, आपको पता चल गया कि कौन सी क्वालिटी आपको मिलती है अगर हम बात करें डिवाइस की आउटपुट की। तो यहाँ पर जो मुझे कमी लगी है इस डिवाइस में वो है लो लाइट में इसके EIS की परफॉर्मेंस, जो Nokia 7 प्लस में थी। और उन्होंने बोला है जो लास्ट अपडेट आई थी कि उन्होंने ये इशू फिक्स कर दिया है। तो अगर उन्होंने ये फिक्स कर दिया है तो X6 में ऐसा क्यों है, और अगर नहीं किया तो मैं देखूंगा दोबारा Nokia 7 प्लस का एक खुद पहले टेस्ट करके, फिर आपको भी दिखाऊंगा कि क्या नोकिया ने वो किया है या नहीं किया। यहां पर कालजीस का लेंस नहीं मिलता हमें पता है, पर क्वालिटी आपको पता चल गया कि काफी बढ़िया मिलती है, लो लाइट में कैमरास काफी बढ़िया काम करते हैं। और यहां पर आगे आपके लिए जो मैं दिखा रहा हूं वो है फोटोज का पूरे का पूरा वीडियो, यहां पर मैंने डे लाइट लो लाइट में लिए हैं, आप वो वीडियो चेक कीजिए। और आगे हम वीडियो को खत्म भी करेंगे और आपसे आगे थोड़ी सी बात। दोस्तों ये पहली तस्वीर आप देख रहे हो हमने लिफ्ट में ली है, और आप चेक कर सकते हो कि यहाँ पर एंगल चेंज किया, एक्सपोजर हमें कैसा मिलता है। ये मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, ये आगे भी आपको पता चलेगा। तो यहाँ पर आउटडोर में पहली फोटो है सनी की, आप देख लीजिए एक्सपोजर कैसा है, और अगर मैं एंगल चेंज करता हूँ तो एक्सपोजर कैसा मिलता है, ये दोनों को आप कंपेयर करके देख सकते हो। और यहाँ पर थोड़ी सी इशू है अगर मैं बात करूँ पोर्ट्रेट मोड में, वो आगे भी आपको दिखाऊँगा। ये तस्वीर यहाँ पर आप पौधों की देख रहे हो, और यहाँ पर अगर एंगल चेंज करता हूँ वो भी एक्सपोजर काफ़ी बढ़िया यहाँ पर कर देता है। दोनों को कंपेयर करता हूँ आपके सामने
हैं। तो ये चीज़ मुझे नोकिया कैमराज में बढ़िया लगती है। अगर यहाँ पर बात करूँ, ये नॉर्मल फ़ोटो ऐसा नहीं की, और अगर टैप को चेंज किया तो एक्सपोज़र कुछ ज़्यादा ही एक्सपोज हो गया। तो अगर तस्वीर लेनी है बढ़िया एंगल से लीजिए। यहाँ पर आप पत्थरों की तस्वीर देख रहे हो, वाइटनेस कैसी है, कलर कैसा है, आप पॉज करके देख सकते हो। और यहाँ पर जहाँ मैंने क्लिक किया मैंने आपको दिखा दिया, और जैसे ही टैप चेंज किया, और ये भी आप देख सकते हो। अभी फ्रंट कैमरा के साथ हम देखेंगे तो ये देखिए कि कैसे आपको आउटपुट मिलती है। और यहाँ पर ये एंगल को मैंने चेंज किया दोनों में, और कलर का डिफरेंस आप देख सकते हो। तो यहाँ पर जो आप देख रहे हो ये बोके मोड है। बोके मोड में मुझे यहाँ पे काफ़ी इशू लग रहा है, आप देख सकते हो। अभी आपको दिखाता हूँ, ये देखिए आप देख सकते हो कान के पास थोड़ा सा इशू आ रहा है डिटेक्ट करने में, जो एज है, और ऊपर भी आप देख सकते हो बालों में। सॉफ्टवेयर से काम हुआ है नो डाउट, सिंगल कैमरा से हमें ऐसा ही बोके मिल सकता है, पर आई होप सो नोकिया यहाँ पर इसे सुधारेगा और अगली अपडेट में हमें ये शायद ना देखने को मिले। बाकी आप पॉज करके भी देख सकते हो अगर कोई आपको इशू और नज़र आता है तो। यहाँ पर ये इनडोर लाइटिंग है, हम यहाँ पर खाना खाने गए थे, और यहाँ पर भी आप देख सकते हो कि एक्सपोज़र वगैरह कैसे आपको मिलता है। उसके बाद यहाँ पर ये मैंने क्लोजअप शॉट लिया था, और ब्लर आप पीछे देख सकते हो जो कि नॉर्मल क्लोजअप शॉट पे होता है, ये बोके मोड नहीं है। यहाँ पे प्लांट की मैंने तस्वीर ली है, कलर वगैरह क्या मिलते हैं सारे कलर आप देख सकते हो, पॉज करके देख लीजिए, वाइट, ब्लैक, ग्रीन, येलो कंपेयर कर सकते हो। और ये है यहाँ पर बूथी मोड, और अगर इसे मैं हॉरिजॉन्टल करता हूँ तो ऐसे आपको आउटपुट मिलती है। तो यहाँ पर है बोके मोड, आप भी देख लीजिए, जूम मैंने कर दिया। अगर कोई आपको इशू लग रहा है मुझे बताइए, तो फिलहाल मुझे यहाँ पर कोई इशू नहीं मिला, पॉज करके आप देख सकते हो। उसके बाद यहाँ पर देखिए कितना एक्सपोज कर दिया है कैमरा ने, और जैसे मैंने एंगल को चेंज किया वो भी आपके सामने है। अगर दोनों को कंपेयर करो तो ज़मीन आसमान का डिफरेंस है, बाकी आपके सामने है। यहाँ पर फूड की तस्वीरें मैंने ली हैं, काफ़ी मेरे दोस्त फूड की तस्वीरें लेते हैं, ये नॉर्मल तस्वीरें हैं, और क्लोजअप शॉट मैंने लिया है। फोकस को मैंने यहां पे चेंज किया है, अब जान जाओगे कैसे। अब देखिए यहाँ पे क्लोजअप में आपको डिटेल ज़्यादा मिलेगी, जी हाँ। और अभी आप देख रहे हैं जो तस्वीर, ये आउटसाइड की है, लो लाइट है, जी हाँ। ये देखिए लाइटें जल रही हैं बसों में, वहाँ पर दुकानों में आप भी देख सकते हो, ये गाड़ियों में देख सकते हो आप कि कैसे लाइटें जल रही हैं, पर एक्सपोजर कैसे बढ़िया हमें मिलता है। यहाँ पर आप टैप करके चेंज भी कर सकते हो, तो ये आपके ऊपर है। यहाँ पर आप देखोगे सनी तस्वीर ले रहा है, पीछे भी लाइटें हैं, तो कुछ ऐसे आपको आउटपुट मिलती है। जो मुझे इस चीज बढ़िया लगी है इस कैमरा में, तो एक्सपोजर ही इसका है कि लो लाइट में बढ़िया काम करता है जो भी इसका कैमरा इन्होंने दिया है, यहां पर आपके सामने है। उसके बाद यहाँ पे फेस कैमरा के साथ आप देख सकते हो तस्वीरें ली हैं, आपके सामने हैं, एक्सपोजर डिटेल, जो आपका डायनामिक रेंज है वो सब आप यहाँ पे काउंट कर सकते हो, देख सकते हो। और अगर ऑब्जेक्ट मूव हो रहे हैं कैसे पिक्चर आएगी, ये भी आपके सामने है। तो ये मैंने खुद घूमते हुए तस्वीर को लिया है, और यहाँ पर मैं स्टेबल हूँ, और आप एक्सपोजर देख सकते हो। और अगर हम चेंज करते हैं टैब को तो यहाँ पर ऐसे कुछ एक्सपोजर मिलेगा। तो यही मैं आपको यहाँ पे दिखाना चाहता हूँ कि जो ये कैमरा है इसमें वाइडनेस काफ़ी मिलती है लो लाइट में, पर आप उसे एडजस्ट कर सकते हो। और यहाँ पर भी आप देख सकते हो सनी की तस्वीरें, और कैसे यहाँ पे बोके मोड काम करता है ये भी आप देख सकते हो। यहाँ पर बैकग्राउंड ब्लर है, थोड़ा सा इशू है, आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए कि इशू आपको कहाँ लगा। और ये है लास्ट फोटो सनी की हाई एक्सपोजर के साथ, और ये है यहाँ पर लॉन्ग शॉट, मैंने वाइड शॉट लेने की कोशिश की है, और यहाँ पर भी आप एक्सपोजर को चेंज होता देखोगे। तो इस कैमरा में आपको यहां पे देखने को मिलेगा कि कैसे लाइट को एडजस्ट ये करता है। तो यहां पर लास्ट में पूरी लो लाइट है, आपके सामने है फ्रंट कैमरा, और ये आप देख सकते हो कि कैसी आउटपुट मिलती है। यहां पर भी मैंने बोके मोड लिया है, उसके बाद नॉर्मल शॉट लिए हैं, आप पॉज करके देखिए खुद कि यहां पर क्या आपको इशू देखने को मिलता है। यहां पर मैं भी आपको बता सकता था, पर मैं आगे आपको बताऊंगा जब हम किसी के साथ कंपेयर करेंगे। आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में लास्ट लो लाइट फोटोज का बताइए। तो यहां पर आपने फोटोज का भी पार्ट देख लिया, वीडियोज का भी देख लिया। अगर मैं फोटोज की बात करूं तो यहां पर जो फ्रंट में बोके है वहां पर थोड़ा सा इशू मिलता है। काफी जरूरत है यहां पे नोकिया को काम करने की। जब तक इंडिया में डिवाइस आएगी मेरे ख्याल से ये पूरी तरह फिक्स हो जाएगा। और बैक कैमरा की बात करें काफ़ी बढ़िया काम करता है, पर यहाँ पर EIS जो है वो फुल HD तक काम करती है, वीडियो में मैंने आपको दिखाया था। पर EIS को इनको फिक्स करना चाहिए, जो मैं बोल रहा हूँ कि इसके
इशू हैं कैमरा के। लो लाइट में भी अगर आपने लास्ट वीडियो का पार्ट देखा है जो फोटोज़ वाला है, तो वहाँ पर जब मैंने सनी के साथ बोके मोड लिया है वहाँ पर उसने फेस डिटेक्ट किया है, पर अगर आप देखोगे साथ में जो लड़की है उसने उसको भी ब्लर नहीं किया, यानी कि डिटेक्शन जो है एज डिटेक्शन है उसमें काफ़ी इशू है। तो यही मैं बोल रहा हूँ कि इनको काफ़ी अभी काम करने की ज़रूरत है। तो जैसे ही ये ग्लोबली या इंडिया के लिए लॉन्च करते हैं आई होप सो ये सब कुछ फिक्स आपको मिल जाएगा। आप लोगों के काफ़ी क्वेश्चन थे कि इसका प्राइस क्या है, इसमें कैसे लेना चाहिए, हमें कैसे ले सकते हैं, तो उसके लिए FAQ वीडियो आ रही है आपके लिए जल्दी। पर उससे पहले भी एक और अनबॉक्सिंग आपके लिए आ रही है जो आप लोगों की काफ़ी डिमांड थी। हिंट आपको दे देता हूँ, Xiaomi की डिवाइस है। आप नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए कि आपको क्या लगता है कौन सी नई डिवाइस की पहली हिंदी अनबॉक्सिंग आपके लिए आने वाली है। ये वीडियो कैसी लगी नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए, अपने सुझाव बताइए।